वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र की गरिमा और सम्मान स्थापित करने के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले श्री के एन राव जी, शायद ही ऐसा कोई ज्योतिष विद्यार्थी होगा जो कि श्री के एन राव जी के बारे में नहीं जानता हो। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं श्री के एन राव जी के बर्थ चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि किन योगों ने उनको ज्योतिष का इतना महान विद्वान बनाया, किन योगों ने उनको प्रसिद्धि प्रदान की। आप जो बोर्ड पर यह बर्थ चार्ट देख रहे हैं, ये श्री के एन राव जी का बर्थ चार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन योगों ने उनको ज्योतिष शास्त्र में रुचि दी। देखिएगा, ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति को रुचि तभी होगी जब उस व्यक्ति का 4, 8, 12 भाव एक्टिव होगा। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में 4, 8, 12 भावों में से कोई एक भाव स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है, तब तक वो व्यक्ति ना तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ना ही गूढ़ रहस्य को जान सकता है, ना ही बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकता है, क्योंकि ये भाव है रिसर्च के गूढ़ रहस्यों के। 4 भाव आपके मन का भाव हो गया, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव हो गया, 12 भाव डिवोशन का भी भाव होता है, और जितना हिडन साइंस वगैरह है उसके लिए भी 12 भाव रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 4, 8 और 12 भाव का एक्टिव होना किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन भाव और भावों के स्वामी का लग्न लगने से संबंध बनना भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद राहु केतु का इफेक्ट भी लगन लग्नेश या इन भावों पर आना जरूरी है, क्योंकि राहु और केतु अपने आप में गुप्त ज्ञान और गुप्त रहस्यों के कारक हैं। अब आप इस कुंडली में अगर देखेंगे, अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा है। अष्टम भाव जो कि गुप्त रहस्यों का भाव है, गुण विद्याओं का भाव है, अष्टमेश के लगन में बैठने से ही सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति गुण रहस्य और गुप्त विद्याओं को जानने में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। मगर इतना ही पर्याप्त नहीं होता किसी व्यक्ति को श्री के एन राव जी के लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। एक आध योग तो हर कुंडली में मिल जाएगा, मगर जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कई योग बनते हैं तभी कोई व्यक्ति श्री के एन राव जी के लेवल पर जाकर पहुंचता है या उस लेवल का ज्ञान प्राप्त करता है। एक योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कुंडली में 8, 4 या 12 भाव एक्टिव हो, या अष्टम भाव का संबंध लग्न या लग्नेश से बन रहा हो, तो वहां पर वो एस्ट्रोलॉजी में रुचि दे देगा। मगर गुण रहस्य को जानने की शक्ति तभी मिलती है जबकि बहुत सारे योग बनते हैं। अब आप देखिएगा, अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, उसके बाद चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है उसके ऊपर भी अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव है, क्योंकि जब तक चंद्र आपके मन पर गुण रहस्यों को जानने का भाव नहीं होगा तब तक आप बहुत ज्यादा वर्क उस फील्ड में नहीं करेंगे। एक हो गया कि प्रभाव है और एक हो गया कि आपके मन पर ही बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो चंद्रमा के ऊपर भी शुक्र का प्रभाव है और चंद्रमा भी लग्न में ही बैठा है, तो ऐसे में सीधा सा निकल कर आता है कि बहुत ज्यादा गुप्त विद्याओं को जानने में रुचि है। अब उसके बाद आप देखेंगे शुक्र नैसर्गिक रूप से गुप्त विद्याओं का गुप्त ज्ञान का कारक है, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र को शुक्राचार्य माना गया है, वो व्यक्ति वो गुरु जो कि संजीवनी विद्या तक को जानता था। तो ऐसे में कुंडली में शुक्र का अष्टमेश होकर खुद से लगन में बैठना अपने आप में बहुत ही बड़ा योग है जो कि इनको ऐसी ऐसी गुप्त विद्याओं के बारे में जानकारी दे रहा है जो कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। उसके बाद मैंने आपसे कहा 12 भाव भी एक्टिव होना चाहिए, कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव भी एक्टिव होना चाहिए। 12 भाव का एक्टिव होना अपने आप में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 12 भाव ही वो भाव है जो कि डिवोशन देता है। 9 भाव और 12 भाव जब तक किसी व्यक्ति के एक्टिव नहीं होंगे तब तक उस व्यक्ति के अंदर डिवोशन नहीं होगा। ज्योतिष आप जान सकते हैं मगर डिवोशनल होना एक अलग चीज़ है। कुछ लोग होते हैं ज्योतिष अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं ज्योतिष दूसरों के फायदे के लिए यूज़ करते हैं, जनहित के लिए ज्योतिष यूज़ करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वरना बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास परंपरा के तहत ज्योतिष विद्या चलती आ रही है, मगर कितना ही उनके पास ज्योतिष ज्ञान है वो समाज के हित के लिए यूज नहीं करते, लोगों के साथ शेयर नहीं करते, अपने पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों के पास वो ट्रांसफर करते जाएंगे धन अर्जन के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अब आप इस कुंडली में देखिएगा, सबसे पहले तो इस कुंडली में
केतु 12 भाव में बैठा है और केतु 12 भाव में बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मोक्ष का कारक होता है, मोक्ष का ज्ञान देता है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि डिवोशनल इस इंसान को बनाता है। उसके बाद 12 ही भाव में नवम भाव का स्वामी भी बैठा है, तो 9 और 12 का संबंध अपने आप में बन गया। 12 भाव में बुध यहां पर उचका होकर बैठा है, तो 9 और 12 का उच्च स्थिति में संबंध बना, यानी कि यह व्यक्ति जो वर्क करेगा वो संसार के हित के लिए, समाज हित के लिए करेगा, या जो इस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लोगों के साथ शेयर करेगा। ठीक, अब यहां पर केतु का भी प्रभाव है। नाड़ी ज्योतिष का एक रूल मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, मैंने जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र केतु, बुध केतु, शनि केतु, गुरु केतु, इन चारों में से कोई एक योग नहीं बनेगा, तब तक वो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, उसके पास ज्योतिष का ज्ञान होगा ही नहीं, वेद ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि केतु वेद और ज्योतिष का कारक ग्रह है। अगर राहु का इफेक्ट आता है, बहुत सारे लोग राहु को भी मानते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा कि राहु के ज्ञान में और केतु के ज्ञान में क्या डिफरेंस आता है। जिन लोगों के राहु बहुत ज्यादा एक्टिव होगा या राहु का प्रभाव होगा, वो लोग टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र, इस तरह की विद्याओं में आपको एक्सपर्ट मिल सकते हैं, वाम मार्ग में एक्सपर्ट मिल सकते हैं, वेस्टर्न जितनी भी विद्याएं हैं उनमें एक्सपर्ट मिल सकते हैं, किंतु जो प्राचीन वेद ज्ञान है, जो प्राचीन ज्योतिष है, उसमें आपको केवल वही व्यक्ति एक्टिव मिलेगा, वही व्यक्ति उसका ज्ञाता मिलेगा जिसका केतु एक्टिव है। तो यहां पर राहु और केतु में डिफरेंसेस ये आ जाते हैं। केतु जो ज्ञान देता है वो बहुत सात्विक लेवल पर देता है, केतु जो ज्ञान देता है वो समाज हित के लिए देता है। जैम स्टोन वाले हुए, टैरो कार्ड वाले हुए, उनमें सबके चार्ट में आपको राहु का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा या राहु बहुत ज्यादा एक्टिव मिलेगा। अब आपने देखा यहां पर बुध और केतु का योग बन गया और वो भी 12 भाव से। अब यहां पर एक और योग आप देखेंगे, यहां पर सूर्य का भी प्रभाव है। सूर्य, मैंने आपसे हमेशा कहा सूर्य आत्मा का कारक है। अब आत्मा के कारक ग्रह पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है आप देखिएगा। केतु का प्रभाव है यानी अध्यात्म का प्रभाव है, 12 भाव का प्रभाव है डिवोशन का प्रभाव है, नवम भाव के स्वामी का प्रभाव है धर्मार्थ का प्रभाव है, 12 भाव के स्वामी का प्रभाव है वो भी उच्च स्थिति में। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर उच्च कोटि के प्रभाव इस व्यक्ति की आत्मा के ऊपर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग बुध आदित्य योग की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं यहां पर उच्च कोटि का, हाई लेवल का बुध आदित्य योग बना है और वो भी केतु के साथ में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहां पर इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है 12 भाव के कारण, बुध के कारण और केतु के कारण। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा, स्वराशि होगा या अपनी उच्च राशि में होगा, और वहां पर अगर केतु का प्रभाव आ जाए तो ऐसे लोग बहुत ही सूक्ष्मता के साथ चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। यहां तो क्योंकि 12 भाव से बना है तो आप कह सकते हैं कि डिवोशनल चीजों में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में कर सकता है। 3 भाव से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग के बार सीए मिलेंगे, टैक्सेशन वाले मिलेंगे, लॉयर मिलेंगे, जज मिलेंगे, क्योंकि भाव और राशि के हिसाब से ये संबंध बदलते रहते हैं, कुंडली के हिसाब से संबंध बदलते रहते हैं कि कौन व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनेगा, कौन व्यक्ति लॉयर बनेगा, कौन व्यक्ति जज बनेगा। अकाउंटिंग में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अब क्योंकि ये योग 12 भाव से बन रहा था, हाउस ऑफ डिवोशन से बन रहा था, नवम भाव के स्वामी का प्रभाव था, अष्टमेश लगन में बैठा है, तो ये मेन रीजंस हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा वर्क कर पाए। यहीं अगर लगन बदल दे तो आप देखेंगे इसी दिन जन्म लेने वाले कई लोग लॉ फील्ड में या अकाउंटेंसी फील्ड में आपको एक्टिव मिल सकते हैं। तो इसलिए भाव राशि और लगन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योतिष में एनालिसिस हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो कि जीव कारक ग्रह है। अब आप देखेंगे गुरु यहां पर कर्क राशि में बैठा है, अपनी उच्च स्थिति में बैठा है, और नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और राहु का प्रभाव बनता है तो ऐसा व्यक्ति रूढ़िवादी सोचों से हटकर
सोचने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति स्वहित के लिए सोचेगा मगर रूढ़िवादी प्रथाओं से हटकर सोचेगा, लीक से हटकर चलेगा, कुछ नया करने की चाह रखेगा। अब गुरु राहु का प्रभाव है, आप कह सकते हो सेल्फ के लिए वर्क करने की क्वालिटी देगा, मगर आत्मा पर जो है केतु का प्रभाव आ गया, बुध के ऊपर, बुद्धि के ऊपर केतु का प्रभाव आ गया, तो यहां पर दोनों ही तरह से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मल्टी डायमेंशन होगा, खुद के लिए भी करेगा और समाज के लिए भी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई बिल्कुल फक्कड़ होकर घूम रहा हूं कि अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। और गुरु के ऊपर राहु के प्रभाव आने से अपने आप में एक पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि इन्होंने समाज के दायरे को तोड़ने की कोशिश की, जिस वजह से ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए। वरना बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो ठीक है, ज्ञान है, अध्यात्म में रुचि है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, घर में बैठते हैं, अपना ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। तो गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आने से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट ही आया। अब बात करते हैं कि किन योगों ने इनको प्रसिद्धि प्रदान की। अब आप सबसे पहले लग्न को अगर आप देखेंगे तो लग्न में चंद्रमा से दशम भाव में गुरु बैठा है। गुरु और चंद्र का आपस में त्रिकोण संबंध है। प्रथम भाव में चंद्र है, दशम भाव में गुरु है और गुरु उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसे में अमल कीर्ति राजयोग बनता है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाने के लिए पर्याप्त है। और इस कुंडली में दशम भाव में उसके गुरु का बैठना ये दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सम्मान हासिल कर सकता है, क्योंकि दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव हो गया और वहां पर गुरु जैसे ग्रह बैठेंगे तो गुरु अपने आप में सम्मान का कारक है, और उसका होकर गुरु बैठेगा तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का आपको सम्मान दिलाएगा। उसके बाद आप देखेंगे दवमेश यहां पर उच्च का होकर बैठा है, बुध 12 भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग में बैठा है, और मैंने विपरीत राजयोग में आपसे हमेशा कहा है कि जब भी विपरीत राजयोग में बैठा हुआ कोई ग्रह राहु और केतु के प्रभाव में आता है तो वहां पर वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्रदान करता है। उसके बाद बुध आदित्य योग बहुत अच्छी स्थिति में बनता है। उसके बाद ध्वज कीर्ति योग बनता है, सूर्य और केतु का योग 12 भाव से, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी स्थिति है। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध यहां पर बनता है, तो अपने आप में ये योग पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाने के लिए। अब शनि से अगर आप देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि अब तक शनि के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होंगे तब तक बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, तो शनि से 11 भाव में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, और शनि से दूसरे भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि है, तो अपने आप में शनि के लाभ भाव में कई ग्रह आ जाते हैं। अष्टमेश शनि के लाभ भाव में आ जाता है, सप्तमेश शनि के लाभ भाव में आ जाता है, लग्नेश शनि के लाभ भाव में आ जाता है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल सक्सेस के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं जिन कारण से इनको ज्योतिष शास्त्र में या कहें कि अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बर्थ चार्ट से जो कि आने वाली किसी वीडियो में अगर आप कहेंगे तो डिस्कस करते हैं, या आप किसी पॉइंट को अगर जानना चाहते हैं इनके बर्थ चार्ट से तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं किसी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।